चेहरे के हाथ पैरों की हेयर ग्रोथ से बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको रिमूव करने के लिए तरह तरह के ट्रीटमेंट्स का, वैक्सिंग का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से स्किन खराब भी होने लगती है एंड ये प्रोसेस आपका टाइम एंड पैसा दोनों भी लेती है। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमारा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ऐसे में हमें अपने हमारे जो हाथ पैरों के अनवांटेड हेयर होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज जो होम रेमेडी, आज जो घरेलू नुस्खा मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप घर में ही, घर की ही चीज़ों से बहुत आसानी से अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आज की ये होम रेमेडी आपके अनवांटेड हेयर को तो दूर करेगी ही, आपकी स्किन पर व्हाइटनिंग का भी काम करने वाली है। यदि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो गई, स्किन पर बहुत ज़्यादा कालापन आ गया, तो स्किन को काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन अप करने वाली है। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो अपने हाथ पैरों की हेयर ग्रोथ से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके चेहरे पर तो हल्के हल्के बाल होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैरों की हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में वो लोग ये रेमेडी को ट्राई करेंगे तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। साथ ही ये रेमेडी आपका टाइम एंड पैसा दोनों बचाने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप फुल प्रोसेस समझ पाएंगे। एंड बीच में ही आप वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, आपको प्रोसेस पता नहीं चलती है एंड आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो आपके कमेंट्स आते हैं कि इस रेमेडी ने तो काम नहीं किया। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूरा वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके की रेमेडीज देखना यदि आप पसंद करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं विवर्स चैनल पर स्किन केयर से रिलेटेड ट्राई एंड टेस्टेड होम रेमेडीज आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। सो बिना देरी करते हुए चलिए आइए फटाफट से अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस होम रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक क्लीन बाउल और उसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच बेसन, यानी कि चने का आटा, जो कि हम सभी के घर में आसानी से अवेलेबल होता है। एंड बात करें इसके गुणों की तो ये हमारी स्किन को डीपली क्लींस करता है, साथ ही हमारे जो अनवांटेड हेयर जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी बनाता है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच के करीब कॉफ़ी पाउडर, आपके पास जो भी कॉफ़ी अवेलेबल है फ्रेंड्स घर में वो आप यहाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ये स्किन पर लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग का काम करता है। वैक्सिंग के दौरान यदि आपकी स्किन काली पड़ जाती है तो उस पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। सो उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें हम एक चम्मच भर के ऐड करेंगे कोलगेट, तो यहाँ कोलगेट टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया, आपके पास जो भी टूथपेस्ट घर में अवेलेबल हो वो आप यहाँ इसमें एक चम्मच ऐड कर सकते हैं। इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि स्किन को डीपली क्लीन करता है, सारी टैनिंग को भी रिमूव करता है, साथ ही अनवांटेड हेयर की रूट्स को भी ये वीक करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को बाइंड करने के लिए, मिक्स करने के लिए मैं यहाँ रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके रोज़ वाटर जो है इसमें ऐड कर रही हूँ और इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा लिक्विड हमें इस रेमेडी को नहीं रखना है वरना लगाने में प्रॉब्लम होगी। सो फ्रेंड्स, बता देती हूँ कि वैक्सिंग कराने से यदि आपकी स्किन काली पड़ने लग गई है या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन होगी, अनवांटेड हेयर बहुत ही ज़्यादा है और हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके अनवांटेड हेयर इंस्टेंटली रिमूव भी होंगे, सारी स्किन पर से जितनी भी गंदगी टैनिंग है उसे भी ये रेमेडी दूर करती है, स्किन को काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन अप एंड लाइटन अप करती है। सो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। इसको स्किन पर कैसे अप्लाई किया जाए जिससे कि आपके अनवांटेड हेयर भी रिमूव हो जाए एंड जितनी भी टैनिंग वगैरह है वो भी दूर हो जाए, तो चलिए मैं आपको ये भी करके दिखाती हूँ। सो यहाँ मैं, आप देख सकते हैं कि पैर पर कितनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, इसको रिमूव करके अच्छे से दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड, जब आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे अपनी स्किन पर हेयर को रिमूव करने के लिए, तो सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ही इस रेमेडी को अपने अनवांटेड हेयर वाले एरिया पे अच्छे से एक थिक लेयर के साथ आप अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, यहां मैं आपको पैर की जो हेयर ग्रोथ है उसे अच्छे से रिमूव करके दिखाने वाली हूं कि देख सकते हैं आप अच्छे से कि कितनी ज्यादा हेयर ग्रोथ है। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि आपके चेहरे पर तो बाल ही नहीं है, रिमूव का कैसे पता लगेगा, तो आपके सामने मैं आज पैर की हेयर रिमूव करके दिखा रही हूं कि किस तरीके से ये रेमेडी काम करने वाला है। फेस के भी हेयर रिमूव होते हैं, आई थिंक वो अच्छे से कैमरे में विजिबल नहीं हो पाता है, लेकिन इस तरीके से मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा रही हूँ, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, इस रेमेडी से अनवांटेड हेयर आसानी से दूर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक थिक लेयर के साथ जितने भी हेयर आपको रिमूव
रिमूव, जहाँ के भी बॉडी के किसी पार्ट के हेयर को रिमूव करना है वहाँ पर आप इसे थिक लेयर के साथ अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। यदि आपकी सेंसिटिव स्किन है तो पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद ही इस रेमेडी को आप अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, इस रेमेडी से आप अपने चेहरे के अनचाहे बाल हो या फिर अपने हाथ पैर बॉडी के किसी पार्ट के हेयर को बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं बिना स्किन को किसी तरीके का डैमेज पहुँचाए, बिना स्किन को किसी तरीके का हार्म पहुँचाए। ये रेमेडी आपका टाइम एंड पैसा दोनों बचाने वाली है। जो लोग आजकल पार्लर नहीं जा पा रहे हैं धूप गर्मी की वजह से एंड अनवांटेड हेयर उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, ये रेमेडी आपके लिए है। आप इसे देखते ही जरूर ट्राई करिएगा। सो फ्रेंड्स, यहां मैंने कोलगेट का इस्तेमाल किया यानी कि टूथपेस्ट का। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि स्किन पर पेस्ट लगाने से स्किन खराब तो नहीं हो जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स जब आप ब्रश करते हैं आपके हाथों में भी पेस्ट होता है वो लग जाता है, आपके लिप्स के अराउंड भी लग जाता है, तब स्किन पर आप देखते होंगे किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरीके से कोलगेट के साथ ये सारी चीजें मिक्स करके हम अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो हमारी स्किन ब्राइटन अप होगी एंड अनवांटेड हेयर भी रिमूव होंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से स्किन पर लगा लिया है। इसे हम कम से कम 20 मिनट के लिए अपनी स्किन पर पूरा ड्राई होने देंगे। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगा है, लेकिन हमें इसे कंप्लीट ड्राई करना है, उसके बाद ही हम इसे रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे ये मैं आपको आगे के वीडियो में करके दिखाने वाली हूँ, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ड्राई हो गया है। इसके बाद आप कोई भी कॉटन वाइप, कोई भी टॉवल हैंगी, कुछ भी ले सकते हैं, उसको पानी में अच्छे से डिप करेंगे, निचोड़ लेंगे एंड उसके बाद इस रेमेडी को अच्छे से गीला कर लेंगे, एकदम वेट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस रेमेडी को बिल्कुल मेरे मेथड के अकॉर्डिंग ही बनाइएगा एंड जिस तरीके से मैं आगे आपको रिमूव करके दिखाने वाली हूँ, लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से ये रेमेडी हेयर को रिमूव करेगी, डीपली स्किन से बाहर निकाल देगी एंड स्किन की टैनिंग को भी दूर करेगी। तो ये सब रिजल्ट पाना चाहते हैं आप तो प्लीज़ मेरे मेथड के अकॉर्डिंग इस रेमेडी को बनाएंगे एंड रिमूव करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ हल्के से प्रेशर के साथ जो बालों की डायरेक्शन है उसके अपवर डायरेक्शन में इस वाइप से आप अपनी स्किन पर इस रेमेडी को रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे आपके अनचाहे बाल, आपकी जो लंबी चौड़ी हेयर ग्रोथ है वो निकल के बाहर आ जाएगी। मैं आप सभी के सामने करके दिखा रही हूँ, जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत आसानी से बाहर निकल आई है डीपली स्किन से हेयर सारे एंड आप देखेंगे आपकी स्किन भी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाएगी। आगे की वीडियो में मैं आपको ये भी शो करके दिखाने वाली हूँ। अभी कॉफ़ी के कलर से आपको स्किन का जो कलर है टेक्स्चर वो अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से हल्के से प्रेशर के साथ फ्रेंड्स आप इस रेमेडी को रिमूव करेंगे तो जो अनवांटेड हेयर है उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है 20 से 22 मिनट के अंदर और वो आसानी से इस तरीके से रब करते हुए जब आप इस रेमेडी को रिमूव करेंगे तो वो स्किन से सारे अच्छे से डीपली निकल के बाहर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वाइप से मैं इस तरीके से इस रेमेडी को रब करते हुए रिमूव कर रही हूँ और अनवांटेड हेयर सारे आसानी से रिमूव हो गए हैं। रेमेडी भी ऑलमोस्ट सारी अच्छे से पुछ गई है स्किन पर से। जो बच्चे कूचे साइड में बाल रह गए उनको भी मैं आपको रब करके इस तरीके से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस रेमेडी ने आपके अनवांटेड हेयर को दूर किया है। रिजल्ट आप देख सकते हैं साइड में कितनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ है और इस साइड नहीं है। तो यहाँ मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स कि किस तरीके से इस रेमेडी ने काम किया है, स्किन पर वाइटनिंग का भी काम किया है, स्किन पर ब्राइटनिंग का भी काम किया है। वैक्सिंग कराने से यदि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, बाहर की वैक्सिंग आपको बिल्कुल सूट नहीं करती है, दाने इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस रेमेडी को आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम भी नहीं होगी एंड आपकी स्किन एकदम स्मूथ क्लियर हो जाएगी। तो बच्चे कुछ जो बाल हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से न्यू वाइप से मैंने रब किया तो उसमें भी निकल के बाहर आ गए हैं। इसके बाद जब आप रेमेडी को अच्छे से रिमूव कर लेंगे, हेयर आपके रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद नॉर्मल पानी से अपनी स्किन को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा एंड उसके बाद स्किन को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। जैसा मैं वीडियो में करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको वैसा ही करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया है, ड्राई कर लिया। आप देख सकते हैं स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। अनवांटेड हेयर जब रिमूव हो जाते हैं हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन अप नज़र आने लगती है। सो फ्रेंड्स, जब आप इस रेमेडी को रिमूव कर लेंगे तो स्किन को मॉइस्चराइज करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ हमने हेयर रिमूव किए हैं जिसकी वजह से पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, उनको लॉक मिनिमाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए आप अपनी फेवरेट कोई भी मॉइस्चराइजर का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा मॉइस्चराइजर लेकर जहाँ के आपने हेयर रिमूव किए वहाँ पर अच्छे से अप्लाई करेंगे, हल्की सी मसाज देंगे जिससे कि आपकी स्किन पर किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, ये क्रीम आपके पोर्स में अच्छे से चला जाए, आपकी स्किन पर ड्राई हो जाए एंड उसके बाद आप देखेंगे आपकी स्किन पर बहुत जल्दी हेयर ग्रोथ वापस नहीं आने वाली है। इस रेमेडी को आप फ्रेंड्स ट्राई करते रहेंगे तो एक टाइम बाद आपकी हेयर ग्रोथ एकदम ना के बराबर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, कोलगेट एंड कॉफी से बनी इस होम रेमेडी ने मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आप भी अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करना चाहते हैं तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई करिएगा।
सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसानी से घर की चीज़ों से हम अनवांटेड हेयर को दूर कर सकते हैं, अपनी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये होम रेमेडी आप सभी को पसंद आई होगी। सो वीडियो देखते ही इस रेमेडी को आप भी जरूर ट्राई करिएगा। एंड वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा एंड जरूरतमंदों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले पाए। एंड फ्रेंड्स, साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए या फिर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस तरीके की होम रेमेडीज देखना आप पसंद करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं विभा इस चैनल पर स्किन केयर से रिलेटेड ट्राई एंड टेस्टेड होम रेमेडीज आप सभी के साथ डेली शेयर करती रहती हूँ। सो मैं विभा इस वीडियो को अब यहीं करती हूँ, एंड तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।